अब आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी विधि पूर्वक खेती कैसे की जाती है और मेरी खेती में आपको किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। उसकी एक झलक ये है। क्यारी की तैयारी, बीज का उपचार, बुआई और क्यारी का रखरखाव। खेत की तैयारी, पौधों को जड़ से उखाड़ना और खेत में रोपाई। सिंचाई और निकौनी, कीट और रोग नियंत्रण और फलों की तुड़ाई। आलू का खेती हम लोग भी करते हैं, उसमें फायदा नहीं होता है, पाला मार देता है तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है। पहले हम लोग आलू का उपचार नहीं करते थे, बाजार से खरीद के लाते थे और खेत में डाल देते थे। अगर आप आलू के बीज खरीदने दुकान पर जा रहे हो तो आप उस दुकान में रखे आलू के बीज के कुछ बोरों में से दो चार आलू निकालकर वही काटकर देखिए। अगर उस कटे हुए आलू के अंदर काला दाग हो या फिर सड़ा हुआ दिखे तो उस बोरे से आलू के बीज को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस तरह के आलू से फसल में बीमारी लगती है और उसका उत्पादन भी कम होता है। 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 10 किलो बीज पर इस तरह से छिड़क कर मिलाएं कि हर कंद पर चारों तरफ से उसकी एक परत जम जाए, जो आलू की फसल को कई तरह की बीमारियों विशेषकर झुलसा से बचाता है। दीदी, हर गड्ढे में दो दो बीज ही डालनी है ना? हाँ दीदी, दो बीज ही रोपना है। दीदी, दो मेड़ के बीच में खाली जगह है, वो क्या खाली रहेगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल खाली नहीं रखना है, इसमें आप मकई, बादाम या उड़द लगा सकते हैं। ठीक है दीदी, फिर इसमें मकई डालेंगे। कहते हैं ना कि खूबसूरती इंसान के आंखों में होती है, और मेरी आंखें ये बता रही हैं कि दीदियों ने इस बार रहर के बीजों को खेतों में बड़े ही खूबसूरत तरीके से लगाया है। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार रहर की फसल जबरदस्त होने वाली है। यहाँ वीडियो रोककर चर्चा करें, अरहर की फसल में जीवामृत का प्रयोग कब कब और कैसे करना है? अगर फूल आते समय पर्याप्त मात्रा में जमीन में नमी नहीं होगी तो फूल में कमी हो जाएगी और पौधों के विकास में रुकावट आ जाएगी। हाँ भैया, उसी वजह से मिर्ची का फल जल्दी गिर जाता है। अपनाने वाले कुछ मुख्य बिंदु। गर्मी के मौसम में 10 से 15 दिनों के बीच में सिंचाई करें। सर्दी के मौसम में 5 से 7 दिनों के बीच सिंचाई करें। रहर की खेती की इसी विधि का पालन हमारी दीदी भी कर रही हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले वीडियो बीज या पौधों की रोपाई में से दीदी को कितनी बातें याद हैं। दीदी, सबसे पहले रोपाई के लिए उपचारित एवं अंकुरित बीज का प्रयोग करनी चाहिए। दूसरा, मेड़ पर एक एक मीटर की दूरी में दो दो बीज रोपनी चाहिए। तीसरा, 2 इंच की गहराई में बीज को रोपाई करनी चाहिए। सीखने का जज्बा और अच्छी फसल की चाहत, यह अगर आपके मन में भी होगी तो आपको भी ये बातें यूं ही याद हो गई होंगी। मैं मिर्ची हूँ। जी हाँ, वही मिर्ची जो कभी आपके खाने का स्वाद बढ़ाती हूँ तो कभी आपके पसीने छुड़वाती हूँ। मेरी किसी से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन बारिश से मेरी दोस्ती भी नहीं है। आलू को लेकर लोगों के मन में हमेशा एक भ्रम होता है कि इससे मोटापा बढ़ता है, जो कि सही नहीं है। इसमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो आपके संपूर्ण विकास के लिए जरूरी होता है, इसलिए आप भी बेझिझक इसे खाएं अगर आपका मन करे तो।